17 मई से पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद का फिर से सर्वे और वीडियोग्राफी का वाराणसी कोर्ट का आदेश। एडवोकेट कमिश्नर को भी बदलने से कोर्ट ने इनकार किया। दो अतिरिक्त कमिश्नर को सर्वे में किया गया शामिल। तो न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है उसका अक्षरशः पालन होगा। ताजमहल मामले में दायर याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज। याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा, ना हो पीआईएल व्यवस्था का दुरुपयोग। याचिका में ताजमहल के बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाने की थी मांग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के उत्कर्ष समारोह में पीएम मोदी का संबोधन। लाभार्थी अयूब की बेटी से बात करके हुए भावुक। दिल्ली में बुलडोजर अभियान के दौरान बड़ा हंगामा। मदनपुर खादर में अवैध कब्जा हटाने गई टीम पर पथराव। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। राजस्थान में भीलवाड़ा के बाद अब हनुमानगढ़ में बड़ा तनाव। वीएचपी नेता पर हमले के विरोध में कार्यकर्ताओं का हंगामा। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। कर्नाटक में भी कांग्रेस में घमासान तेज। एमबी पाटिल के बाद अब दिव्या स्पंदना का भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार पर हमला। कहा, मुझे ट्रोल करने का बनाया गया प्लान। के सभी मदरसों में अब राष्ट्रगान हुआ जरूरी। योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला। सुबह की प्रार्थना के साथ राष्ट्रगान जरूरी। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष ने एक हफ्ते में नए पीएम और नई सरकार की नियुक्ति का किया ऐलान। हिंसा पर काबू पाने के लिए दंगाइयों को गोली मारने के आदेश। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप। कहा, अंडरग्राउंड अस्पताल पर भी रूसी सेना ने गिराए बम।